हेलो, हेलो, कमाल है। आजकल तो याद ही नहीं करते आप। क्या करें, बहुत बिजी रहते हैं। लेकिन मैं आपको मैसेज तो करती हूँ, आप बहुत ही लेट लेट रिप्लाई देते हो। काम ज्यादा हो जाता है ना आजकल, क्या करूं। गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी है, सबको संभालना पड़ता है, सबको टाइम देना पड़ता है। काम कब करते हो और गर्लफ्रेंड कब संभालते हो? दोनों चीज ही करनी पड़ती है। ओहो, दोनों चीज तो कब कब करते हो, ये थोड़ा डिटेल्स में बताओ। काम तो दिन में जैसे 9 से लेके शाम को 5-6 बजे तक, और बीच में एक आधा घंटा दूसरी गर्लफ्रेंड, फिर रात को जैसे अभी आपको आधा घंटा दूंगा, फिर आधा घंटा एक और है उसको, फिर 1 घंटा मेरी जो अच्छी वाली गर्लफ्रेंड है उसको। तो ऐसे करके 4-5 गर्लफ्रेंड संभालना पड़ती है आपको, पता है ना। आप कभी थकते नहीं है? नहीं, इतनी बात करते रहते हैं, इतनी बात करते रहते हैं। वैसे यार आपकी जो आवाज है ना बहुत प्यारी है यार। ओहो, मेरी आवाज बहुत प्यारी है आपका ना सच में। सच में, हाँ, आप जो ऐसे ना, आपको आप जैसे हिंदी बोलने नहीं आती ना तो और ज्यादा अच्छी लगती है आप जैसे बोलते हो तो। हाँ, एक्चुअली हम किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, तो मैंने सुना आप कोरिया जा रहे हो। या वो तो जा रही हो, लेकिन फिलहाल बीटीएस का कोई कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए जाना मेरी कैंसिल। क्यों? अभी बीटीएस का कोई कॉन्सर्ट नहीं आने वाला है ना, तो इसीलिए वहां पे जाके मुझे अभी फिलहाल क्या फायदा होगा। और वो लोग कुछ दिन बाद आर्मी में चला जाएगा, तो फिर वो 2025 में ही लौटेगा, तो उस वक्त कॉन्सर्ट होगा, तो मैं उस वक्त जाऊंगी। अभी फिलहाल मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पैसा इकट्ठा कर रही हूँ मैं, ताकि मैं वहां पे 2-3 हफ्ता रह सकूँ। तो आप इतनी बकबक करते हो, आपको कोई बोलता नहीं, आप इतने क्यों बोलते हो? अभी तो बोले आप, क्या? यही मैं बहुत बकबक करती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ, तभी ना सुनते हो, मुझे पता है। है। हाँ, मतलब आपने मुझे 14 फरवरी को प्रपोज किया था, बट मैंने कोई जवाब नहीं दिया, तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, आपका इतनी गर्लफ्रेंड्स है, आप किस किस को जवाब देते फिरोगे? लेकिन लेकिन थोड़ा सा मुझे मैनेज करके रख लेना कहीं, मतलब थोड़ा यार, सा अरे हाँ, एडजस्ट करने की कोशिश करना। ऐसी गर्लफ्रेंड हाँ, भगवान सबको दे जो बोले हाँ ठीक है मेरा नहीं नंबर नहीं लिख। नहीं नहीं सबको नहीं देगा, मैं दुनिया में ओनली वन ही पीस हूँ। ओ, वन पीस हो क्या? हाँ, जो आपको मिल चुका है। लेकिन ओ, लेकिन आप वन पीस नहीं हो, आप डबल रोटी डबल पीस हो। वो आपको कैसे पता? हाँ, वो आपको कैसे पता? मुझे तो पता है ना, अपने 3-4 साल से फ्रेंड हैं तो पता तो हो गई। हाँ, तो ठीक है, मैं आपको एक बात पूछती हूँ। तो 14 फरवरी को जब मैंने आपको प्रपोज किया, तब आपको कैसा लगा? मुझे तो क्योंकि बहुत हम अच्छा तो लगा। मतलब हम लोग तो बहुत सालों से फ्रेंड्स हैं, तो कभी हम दोनों के बीच ऐसे बातचीत नहीं हुई है, और कभी ऐसा सोच भी नहीं, मतलब हमारे बीच में शायद नहीं हुआ है, लेकिन मैं गिर पड़ी आपके प्यार में, तो इसीलिए मैंने आपको प्रपोज कर दिया। लेकिन आपको कैसा लगा, मुझे थोड़ा मतलब मैं सोच रही थी आप कोई रिप्लाई नहीं दिए, तो शायद आपको बुरा लगा होगा। नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं उसको दूसरे वे में देख गया, जैसे अपने दोस्तों को भी तो लव यू बोलते हैं, तो मुझे लगा आप दोस्त की तरह लव यू बोल रहे हो, बट आपने बोला नहीं सच में मुझे शादी करनी है आपसे, तो थोड़ा सा मेरे को सीरियसनेस लगी, तो मैंने सोचा क्या करूं यार, फिर मैं क्या करता यार। एक्चुअली क्या है, आप बहुत मोटे हो, मैं शादी करूंगा ऊपर बैठ के नहीं तो नहीं मत नहीं दब नहीं 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 जाओ। मैं बहुत गोली गोलू मोलू हूँ मैं, आपको नहीं पता। गोलू बोलू क्या? वही तो कह रहा हूँ, ऊपर बैठ के तो मैं दब जाऊंगा ना। तो क्या फर्क पड़ता है ना, प्यार में लोग जान दे देते हैं। नहीं, मुझे मेरी जान नहीं देनी, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अच्छा ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ एक बात। आप अभी बोले कि आपको लगा कि मैं ऐसे दोस्ती के नाते बोली थी, मतलब ऐसा हाँ फ्रेंडशिप के लिए, हाँ जी, तो अगर
ऐसा ही होता तो मैं 1 अप्रैल को मैं आपको बोलती, या फ्रेंडशिप डे को बोलती, तो मैं 14 फरवरी को ही क्यों बोलती मैं? आपको ऐसा नहीं, नहीं लगा? कभी भी बोल सकते हैं, उसमें क्या है। 14 कोई वैसे तो स्पेशल कुछ नहीं था। मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड ने भी वो वैलेंटाइन डे विश नहीं किया, आपने कम से कम लव यू तो बोला। चलो, जो मैंने चॉकलेट्स की डब्बे दी थी वो क्या किया आपने? वो मैं खा गया। इतना चॉकलेट खा गए? हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है और मेरी गर्लफ्रेंड को भी बहुत पसंद है। वैसे आपको ये ऐसे जेलेस नहीं होती क्या, मैं गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलता हूँ तो? नहीं, जलस मुझे इसलिए नहीं होता है क्योंकि तालाब में बहुत मछलियां घूम रही है ना। हाँ, आप, तालाब हाँ, तालाब में बहुत मछलियां घूम रही है। मतलब मैं आपके बारे में बता रही हूँ, मैं मेरी बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आपके बारे में बता रही हूँ। तो अच्छा मुझे ये पता है कि आपके लिए फिलहाल तालाब में बहुत सारी मछलियां घूम रही है, मतलब अभी तक आप किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर पाए हो, तो मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो आपको ऐसे लगता है कि आपका भी चांस हो सकता है, हाँ, हो सकता है, क्या पता। बट आपको यार नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। आई हेट नॉन वेज हाँ, ये सबका यार। अलग अलग होता है, लेकिन चलो ठीक है, आप मुझसे हाँ, प्यार करते हो ना, करती हूँ। तो आप मेरे लिए नॉन वेज छोड़ दोगे? मैं सबसे पहली बात, मैं अपने उसूल को मानती हूँ, ठीक है? पहले खुद को प्यार करो, तभी ना तुम दूसरों के, मतलब दूसरों को प्यार कर पाओगे। तो अगर मैं खुद को प्यार करना छोड़ दूंगी तो मैं दूसरों को कैसे प्यार करूंगी, आप बताओ पहले। और नॉन वेज छोड़ने का मतलब है खुद से ब्रेकअप कर लेना, ठीक है? तो मैं कैसे आपको प्यार दे सकती हूँ, आप बताओ। आप ऐसे लड़की देखो, को, मेरे को पसंद नहीं है। अब जैसे आपने नॉन वेज खाया, आके मुझको किस करोगे? छी, यार कैसे फील होगा यार, सोचो ना। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जिस लड़की, मतलब जिस लड़की ने नॉनवेज नहीं सकता है अपने प्यार के खातिर, तो वो आपको भी नहीं छोड़ सकता कभी? आपको ऐसा नहीं लगता है क्या? यार ये मैंने सुना था कहीं यार। मैं हाँ बता देती हूँ। हाँ सुना था, सुना था, याद आ गुटका गया। हाँ, गुटका तो गुटका नहीं छोड़ सकता, वो मुझे क्या मुझे छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जो बंदा गुटका खाता है, चलो ठीक है, जैसे कोई भी हाँ, लड़का गुटका खाता है, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को किस करता हो तो आधा गुटका उसके मुंह में तो चला जाता है ना। हाँ, लेकिन मैं कभी गुटके वालों को किस नहीं किया है तो मुझे नहीं पता। मतलब किसी को तो किया नहीं, वो तो मैंने किसी को भी नहीं किया अभी तक। मैं तो फुल्ली नहीं, आपको बोलने का जरूरत नहीं समझती मैं। ओ, बट हाँ, वाई? इसलिए कि ऐसे ही, ऐसे? ऐसे ही, हाँ, फीलिंग शाय। सही बात है, फीलिंग शाही अच्छी बात है। हाँ मुझसे ये तो करोगे फिर, किससे नहीं करोगे? मैं तो गुटखा नहीं खाता ना। हाँ आप तो गुटखा नहीं खाते हो, बहुत अच्छे लड़के हो। तो फिर किस करोगे? हाँ, लेकिन मैं कौन सी नंबर पे आती हूँ आपका गर्लफ्रेंड में से? एक दो तीन चार, चार नंबर पे। 4 नंबर पे तो सब लड़कियां आपको ऐसे चुम्मा चाटी देती है? एक ही देती है यार, वैसे आ वो बातें सब करती है, मतलब हर तरह की पागल लड़कियां होती है, उनको भी मजा आता है, पता नहीं। हाँ, गंदी बातें गंदी बातें करना, करते हैं। नहीं, बातें करना और ऐसे ऐसे करना बहुत ही, मतलब बीच में फर्क होता है। तो वो तो एक ही है। वही बात है। और मुझे लगता है कि जो लड़की ऐसा करना चाहेगी आपके साथ, वो आपको सच में प्यार करती है। हाँ करती तो है। हाँ, तो फिर आप मेरे साथ क्यों बात कर रहे हो? जाओ उसके साथ शादी कर लो, बट उसको एक घर सुनो, बसवा लो। वो शादी नहीं कर रही ना, तो वही तो दिक्कत है। आप लेकिन मैं बताए थे सोचता हूँ, मुझे। हाँ अब मेरी बात सुनो, जो जिसको हम प्यार करते हैं वो ना मिले, तो हमको ऐसा करना चाहिए जो हमको प्यार करे उससे मिले हम, तो ज्यादा बेटर रहता है।
जिसको जिसको हमने प्यार किया उसको हमने आजमाया, हमारा नहीं ट्यूनिंग बैटरी, तो जो हमें प्यार करता है उसके साथ जाओ, सही बात है ना? हाँ, ये नीति तो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी खुशी को कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं, मतलब सॉरी, मैं तो मतलब लाइन थोड़ा और बता रही थी, यार नहीं, आपकी हिंदी कसम से मारी बहुत डालेगी। क्यूट है, मुझे पता है, पता है ओ मुझे। यार हाँ, तो जो आप कह रहे हो कि अगर कोई मतलब तुम किसी को चाहो तो अगर उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर तुमको जो चाहे उसके नसीब में कुछ होना चाहिए, मतलब आप होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन ठीक है, मैं जिसको चाहती हूँ वो अगर मुझे ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं सिंगल रहूंगी हमेशा या ऐसे ही मतलब रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मुझे चाहेगा, लेकिन मैं तो उसको नहीं चाहती हूँ ना, उसके साथ मैं, उसका सोच शायद मेरे साथ नहीं मिलेगा, लड़ाई होगा, उसके बारे में मेरा दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेगा, तो मैं उसके साथ कैसे रह पाऊंगी? ये मेन बात, समझौता होगा, वो होगा समझौते का रिश्ता, क्योंकि वो मुझे चाहता है इसलिए मैंने उसको शादी किया है, समझौता मुझे करना पड़ेगा उसे नहीं। तो मुझे लगता है कि समझौते से कोई रिश्ता नहीं रहता है, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं जिसको चाहूंगी मैं उसी को शादी करूंगी। और मेरी घर वाले अगर कभी बोले कि नहीं ये कास्ट सिस्टम है, ये प्रॉब्लमेटिक है, वो प्रॉब्लमेटिक है, देन मैं, देखो फैमिली का भी तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं वो, तो इसलिए मैं एक ही शर्त रखूंगी कि ठीक है, मैं हंस हंस के ये शर्त मान लूंगी कि ठीक है, मैं उस लड़के को शादी नहीं करूंगी, कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी। लेकिन एक शर्त आप लोगों को भी मानना पड़ेगा, कभी भी मेरे सामने किसी और लड़के के बारे में जिक्र मत करना, ये तो कुछ गलत भी बात बोल है। लो, कुछ कुछ भी करा लो मुझसे, मैं कर लूंगी। लेकिन इसके बगैर अगर किसी और को शादी करने के लिए बोले, तो फिर मैं किसी का नहीं रहूंगा, मैं एक रास्ते से चली जाऊंगी, किसी का नहीं रहूंगी, ना उसका ना आप लोगों का बेटी मैं किसी, क्योंकि देखो आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोगों का कदर मैंने किया और वो भी मुझे प्यार करता है, तो उसका कदर मैं नहीं अगर कर पाऊंगी तो फिर ये कैसा होगा? उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका भी प्यार मेरे लिए जिंदा रहेगा, आपका भी प्यार मेरे लिए जिंदा रहेगा, इसीलिए मैं उसके बगैर किसी और को नहीं चाहूंगा और आप लोगों के लिए मैं उसको नहीं चाहूंगी। बात खत्म। वाह कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप। हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन में माहिर हूँ, आपको पता है मैं एग्जाम की कॉपी में भर भर के लिखती थी, भर भर के लिखती थी। उस चीज का और पूरा फायदा उठा रहे। हाय हाँ, और जो एग्जामिनर थे ना, वो मेरी हैंडराइटिंग से फिदा हो जाते थे, और सॉरी, मेरी डिटेल्स में फिदा हो जाते थे, तो वो सोचता था कि ये 2-3 पेज पढ़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक ही लिखा होगा, राइट दे देते हैं, बोलकर नंबर मिल जाता था मुझे। एक्चुअली सिर्फ टॉपिक मुझे पता होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए, आप मुझे एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक हिंट दे दो, अब आगे हिस्ट्री बनाना मेरा काम है। तो एक बार जैसे आपने मुझे प्रपोज किया व्हाट्सएप पे, तो एक बार लाइव थोड़ा सा डेमो देख लूंगा कि भाई कैसे प्रपोज, ऐसे बात करके कैसे प्रपोज करते हैं थोड़ा सा तरीके से। बात करके कैसे प्रपोज करते हैं, मतलब आप चाहते हो कि मैं जैसे आपको व्हाट्सएप में प्रपोज की थी, आपको मैं वैसे ही प्रपोज करूं अभी लाइव? हाँ जी, क्योंकि एक मैसेज करना और एक फीलिंग शेयर करके करना तो डिफरेंस होता है ना, क्या पता मैं मान जाऊँ। अच्छा, फिर मैं फिर ऐसे ही शुरुआत करती हूँ जैसे मैं व्हाट्सएप पे लिखी थी। अब थोड़ा बातों में जैसे बोल रही हूँ तो थोड़ा और दूसरा तीसरा वर्ड तो बीच में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं यही कह रही हूँ कि आपको मुझे कुछ बताना है। एक्चुअली मुझे पता नहीं आप क्या सोचोगे, क्योंकि आप मुझे दोस्त समझते हो और आप बहुत बिजी भी रहते हो, मुझे पता है। तो मैं सच बताऊँ तो आपको बहुत मानती हूँ, रेस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन आपके बारे में मेरे दिल में फीलिंग्स भी है,
मैं आपको अपनी फीलिंग साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज प्यार का दिन है। मुझे पता है कि अगर तुम किसी को सच्चे दिल से प्यार करो तो वो तुम्हारे लिए रोज वैलेंटाइन डे के तरह होगा। हाँ लेकिन ये बात मुझे सही लगा कि आपके और मेरे लिए आज के दिन बहुत खास है, क्योंकि मतलब एक डे इसीलिए। तो मैं आपके ऊपर मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो करना, नहीं तो मत करना। क्या आपकी एक्सेप्ट खुशी भी करना है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या एक्सेप्ट आ, करना है, मुझे तो अभी तक समझ आ, नहीं आया आप बोलना मुझे क्या चाहते हैं। आ, मुझे सच बात यह है कि मुझे डायरेक्टली बोलना आता है और मैं कुछ छुपा नहीं पाती हूँ, और मुझे थोड़ा दिल में कुछ कुछ होता है, तो इसलिए मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ठीक है? एक्चुअली मुझे आपके बारे में फीलिंग्स है। मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। आपके साथ मेरा दोस्ती है पिछले 6 सालों से, एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन आपके ऊपर मेरा फीलिंग्स है पिछले 2 सालों से, लेकिन मैं आपको नहीं बोल पाई। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, तो मुझे लगा आज बोल देना चाहिए, इसीलिए मैंने बोल दिया। अब मैं आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है? आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मतलब आप मेरे बारे में कुछ फीलिंग्स है तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि मैं अपना दोस्ती खराब नहीं करना चाहती, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके आंसर को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है? आपके मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो उसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आगे आपका सोच, आप क्या करना चाहोगे। लेकिन हाँ, दिल में कुछ मत रखना, ठीक है? तो आपका दिल में जो भी आ रहा है आप मुझे बोल सकते हो, देखो मैं उसकी सोच को रेस्पेक्ट करूंगी। पहली बात अपने बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, हर तरह की बातें करते हैं, लेकिन हाँ मैंने आपके लिए कभी भी उस तरह सोचा ही नहीं भी प्यार मोहब्बत ये सब चीजें। पहले मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरा करियर अच्छे से बन जाए, फिर और घर वाले क्या है आज के टाइम में, मतलब घर वालों को पहले बंदा सक्सेस हो जाए फिर शादी की बातें बाद में होती है, बाकी लव मैरिज वगैरह मेरे घर वाले करवाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कराएंगे। और बाकी अगर घर वालों को बोलूं तो भी शायद सबसे बड़ी दिक्कत यह है आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो इस कारण क्योंकि देखो मेरे से टाइम पास तो होता नहीं है, और प्यार होगा तो रियल में प्यार होगा और शादी ही करने के लिए होगा वो, और वो चीज सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। भी शादी नहीं होगी तो अपने टाइम पास किसी के साथ नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि फीलिंग्स खराब होती है सभी के, हर्ट होता है बाद में रोने से अच्छा है अभी एक बार ही रो के और मतलब निकाल दिया जाए। बाकी फ्रेंड्स के तौर पे, बेस्ट फ्रेंड के तौर पे हमेशा लव यू बहुत सारा, लेकिन वो पता प्यार व्यार नहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मतलब नो, मतलब एज अ रिलेशनशिप के लिए नो, बट फ्रेंडशिप के लिए, मतलब जैसे फ्रेंडशिप है वैसा ही रहेगा, और रिलेशनशिप के लिए नो, जैसे मैंने आपको प्रपोज किया अभी। तो आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा लगने की क्या बात है, मैंने तो आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपका मर्जी, क्योंकि जबरदस्ती किसी का प्यार कभी हासिल नहीं हो सकता है। और मैंने आपको प्यार की थी, मैं आपके बारे में सोची थी, आप मुझे नहीं बोले थे आपके बारे में सोचने के लिए, ठीक है? तो मेरे दिल में जो था मैंने बता दिया, और कोई बात नहीं। और आप, लेकिन हाँ, इतना मैं बता सकती हूँ कि आप बहुत अच्छे लड़के हो, मेरी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो। आपके लाइफ में जो भी लड़की आएगी वो बहुत ही मतलब लकी होगी। और चलो कोई बात नहीं, हम जैसे दोस्त हैं वैसे ही रहेंगे। बोलो फिर लव यू दोस्त, हाँ लव यू तो बोलो बुद्धू। हाँ लव यू टू। सच्ची में हाँ लव यू टू। और क्या बोले, आपने तो मेरा दिल दुखा दिए। रोने मत लग जाना नहीं, रोऊंगी क्यों? नहीं, दिल दुखा दिया तो कहीं रोने लग जाओ।
हाँ वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 2-3 सैड सॉन्ग सुन लूंगी तो हो जाएगा। हाँ तो फिर मैं लेकिन वो, आप तो बीटीएस से प्यार करते हो ना। हाँ BTS के लिए तो है ना, वो जांगकुक है जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो वो 2-3 बॉलीवुड की हिंदी, क्योंकि मुझे रोना पड़ेगा ना, मतलब जैसे कि मेरा दिल ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद मैं पॉप में जाऊंगी ना, तो फिर मैं लोगों को दिखाऊंगी मैं बहुत मतलब बोल्ड लड़की हूँ, साहसी लड़की हूँ, एक लड़के ने दिल ओहो, तोड़ा तो क्या हुआ, तो दुनिया में इसके इतने ऊपर एक सारे लड़का आर्टिकल लिख है। के, डालना फेसबुक पे कि भी मेरे को एक लड़के ने हाँ रिजेक्ट कर दिया। हाँ लेकिन फिर भी मैं नहीं टूटी, नहीं टूटी। टूटी फूटी और मैंने पी ली फ्रूटी। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि BTS में कोई सैड सॉन्ग नहीं है, ऑब्वियसली है, लेकिन मुझे फिलहाल समझ कुछ नहीं दिनों के आता। लिए मुझे बॉलीवुड में जीना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हाँ लेकिन आप खुश रहना बहुत, और मैं तो मैं हमेशा विश ही खुश करती हूँ रहता आप, हूँ। हाँ, और आप जैसे करियर के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हो, वैसे करते रहो, जरूर एक दिन सक्सेसफुल आप बन जाओगे, आधा तो बन चुके हो, और भी पूरा बन जाओगे, यू। लेकिन मुझे मत भूलना। नहीं, आपको थोड़ी बोलूँ, आप तो मेरे हमेशा दोस्त रहोगे। मेरी वाइफ को भी बताऊंगा, हाँ ये मेरी मोटो दोस्त है। हाँ नहीं ओ मैं गोलू मोलू दोस्त हूँ आपकी, हाँ, गोलू मोलू दोस्त हो आप मेरी। हाँ ओके, ये बताना। अब सोए। गुड नाइट, हाँ ठीक है टेक फिर, गुड केयर। नाइट। हाँ सेम टू यू।